पीतमपुर के ग्राम सागौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सागौर में साप्ताहिक हाट बाजार में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें दो लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पीतमपुर के एक निजी अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आपको बता दें, नगर पालिका पीतमपुर द्वारा हाट बाजार का ठेका दिया गया है, जहाँ शनिवार और बुधवार को हाट बाजार लगता है औद्योगिक क्षेत्र में। वहीं हाट बाजार में लगने वाली दुकानों से नगर पालिका से अधिकृत ठेकेदार पर्ची काट के पैसा वसूल करते हैं। नगर पालिका की तरफ से 30 रुपए प्रति दुकान के हिसाब से पर्ची काटना चाहिए, लेकिन अधिकृत ठेकेदार ऐसा ना करते हुए ज्यादा पैसे की वसूली करता है। तय राशि से ज्यादा वसूली करने पर अमूमन नगर पालिका ठेकेदार और दुकानदारों के बीच हमेशा विवाद होते रहते हैं। बुधवार के दिन दो बच्चों के बीच में आपसी मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सागौर बस स्टैंड पर अपनी दुकान लगती है हार भूल की, और नगर पालिका के जो थे ठेके वाले, अभी नया ठेका लिया उन्होंने, कल आए थे, 20 से 40 रुपये मांगे। तो हम, मेरे पापा ने, मेरे भाई ने मना कर दिया, भैया हम 20 रुपये देते हैं, 20 रुपये देंगे तुमको। उन्होंने कल भी बोला 40 रुपये देंगे, 40 रुपये लेंगे। उसके बाद आज बुधवार था, बस स्टैंड पे बाज़ार लगा था, मेरे पापा और मेरा भाई दोनों अकेले थे दुकान पे, और ये आए पूरी प्लानिंग करके, बोले आज इनसे पैसे पूरे लेंगे, नहीं अगर ये नहीं देंगे तो इनको मारेंगे। दुकान पे पैसे लेने आए और दादागिरी बता रहे थे। तो क्या हुआ? मैंने मारा कुट्टी हुई। तो किसने किसको मारा? अर्जुन ने, वो मनीष चौधरी। मनीष चौधरी ने किसको मारा? ने राम के पीछे से और माथा पे वैसी डाल दी और पावड़ा से मारे। कहाँ चोट आई? सिर में आई है, हाथ टूटा है, चाकू मारे हो, पैर में लगी है।